Hi everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I'm Dr. Gunjan and let's start with our video. We are going to do the part 4 of chapter number 4. Fourth chapter ke hum log aapki class 10 ke fourth chapter ka part 4 karne wale hain. Hum 3 parts iske already kar chuke hain. Maine description box mein unke links mention kar diye hain, so kindly go through those links and go through those videos and then watch those 3 videos first before watching this video, because that will form the base of this chapter. ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए और इस चैप्टर को करिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर कवरिंग अंडर दिस पार्ट. तो आज हम लोग करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये दो टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अभी तक हमने कार्बन कार्बन कंपाउंड्स का देखा था, तो आज हम हाइड्रोकार्बन्स का भी देखेंगे. तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. So hydrocarbons, as the name defines, hydro means hydrogen, carbon means carbon, hydrogen means hydrogen, carbon means carbon. तो जो compounds hydrogen और carbon को मिलाकर बनते हैं उन्हें hydrocarbons बोला जाता है. That simple as that. आप कोई भी चीज होती है तो उसके name में से मिल जाती है. तो नाम को जब आप break कर लेते हैं तो आप उसको समझ पाते हैं. ठीक है, the compound which are formed of the carbon and hydrogen are called as hydrocarbons. For example, methane. Methane किस किस का बना है? Carbon and hydrogen. Ethane, carbon and hydrogen. Ethene, carbon and hydrogen. Ethyne, carbon and hydrogen. So these are all carbon or hydrogen compounds. So hydrocarbons जो है हमारे वो दो तरह के होते हैं. One is saturated hydrocarbons and second is unsaturated hydrocarbons. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आती है एग्जांपल एल्केन्स की, और वेयर इज अनसैचुरेटेड के अंदर आती है एल्कीन्स की और एल्काइन्स. एल्केन्स जो होते हैं सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एल्कीन्स जो होते हैं डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और एल्काइन्स जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं. ये फर्क एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइन्स में, बट दोनों के केसेस में एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइन्स, यानी कि तीनों के केसेस में कार्बन और हाइड्रोजन ही हमारे जो है कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के ही बनेंगे. बट एल्केन्स में जब सिंगल बॉन्ड से बनता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड से बनता है, एल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड से बनता है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा एल्केन्स. एल्केन्स से जो कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है, CCNH इज हाइड्रोजन 2N+2. इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप N की कोई भी वैल्यू फिल कीजिए, सपोज आपने 1 डाल दी तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन क्या हुआ, जब हमने 2N1 डाला तो प्लस 2 क्या बन गया, कार्बन तो 1 ही रहा हमारा, है ना. हाइड्रोजन कितना बन गया, 2 × 2 × 1 2 + 2 4, C1H4, दैट इज मीथेन. अगर आपका अब इसका इसका एन का नंबर 2 डाल के देखिए, अगर आप 2 डालेंगे सपोज, तो अब यहाँ पे 2 डाल दीजिए, C2 2 × 2 4 + 2 6, तो क्या बन जाएगा C2H6. ये हमारा हो गया बेसिक जनरल फॉर्मूला. N की वैल्यू फिल करते जाइए और इस तरह से आपको एल्केन्स का नंबर मिलता चला जाएगा. तो मीथेन CH4 हो गया, इथेन C2H6 हो गया, आगे आगे प्रोपेन आएगा C3H क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 2 = 8 H8. ठीक है, C3H8 हो जाएगा हमारा प्रोपेन. इस तरह से आप N का नंबर फिल करते जाइए, आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइन वाइज आपको मिलते चले जाएंगे. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो आप मीथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्म करके ये हमारा मीथेन बन गया. इथेन में 2 कार्बन हो गए, उसके बाद इनकी वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए इसकी 3 हाइड्रोजन से कर दी, इसने भी 3 हाइड्रोजन से कर दी, एक एक इनका कार्बन से हो गया. सिमिलरली एक एक कार्बन से हो गया, बाकी सारी हाइड्रोजन में फिल कर दिए, प्रोपेन बन गया. ठीक है,
सो लाइक दिस हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं. इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2. देन इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. वो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलके मॉलिक्यूल बनाए, बट उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. अगर वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इथीन, ठीक है, प्रोपीन, इट्स नॉट प्रोपेन, इट्स प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिए, इट्स प्रोपीन. तो यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n, उसमें प्लस टू भी था ना, इसमें प्लस टू नहीं रहेगा. अब आप वन भरिए, यहाँ पे सी वन हो गया, अब टू हाइड्रोजन, टू इंटू वन टू CH2, CH2 क्या बन जाएगा हमारा, कुछ भी नहीं है ना. तो यहाँ पे अगर आप 2 भरेंगे C2H4 क्या होगा, इथीन, ये इस तरह से आ गया है ना. तो अगर आप बनाएंगे C3H6 दैट इज प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, ये सारे के सारे एल्कीन्स के स्ट्रक्चर होंगे जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड, ठीक है. तो अगर एल्काइन्स, एल्काइन्स क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 हो गया इसके केस में, है ना, -2 हो गया इसके केस में. तो यहाँ पे आप देखिए, अगर ये C2 लिखेंगे आप, C2H4-2 क्या हो जाएगा, 2, ये C2H2 ट्रिपल बॉन्ड से फिल करेगा. तो अगर 3 होंगे C3H6-2, 4, है ना, इस तरह से. तो इस तरह से आपका जनरल फॉर्मूला ये है एल्काइन्स का, और वो ट्रिपल बॉन्ड से जो बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहे हैं, उनको एल्काइन्स बोला जाता है. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर एल्कीन्स और एल्काइन्स आते हैं, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे एल्केन्स, ठीक है. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हमने यहाँ पे कुछ दिखाने की कोशिश की है. डबल बॉन्ड में ये इथीन बन रहा है, और सिमिलर इथाइन जो है ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे इथाइन बन रहा है, ठीक है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हाइड्रोकार्बन के. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का, एक तो हमने मिथेन किया था CH4, इस तरह से लिखते हैं ना. तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में लिखना हो, इलेक्ट्रॉन्स शो करके लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग कार्बन लिख लेंगे अंदर इस तरह से, है ना. कार्बन के कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, तो हम हाइड्रोजन फॉर्म कर देंगे. तो हाइड्रोजन जब बनाएंगे ये, तो हम लोग इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन का एक इसके साथ, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एक लग गया वो इसके साथ, है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया इसके साथ, और एक हाइड्रोजन लग गया, है ना. तो इस तरह से ये CH4 बन. सिमिलरली आप इथेन बना सकते हैं, जिसमें क्या होते हैं, 2 कार्बन है, तीन तीन उसके इलेक्ट्रॉन है, यानी कि C2H6, ठीक है, सिमिलरली ये स्ट्रक्चर फॉर्म. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन का भी सेम वे में लिखना है, जैसे कि आप सिंपल कार्बन कंपाउंड का लिखते हैं, ठीक है. तो इट्स बेसिकली अ रेपिटेशन ओनली, बिकॉज हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जबकि कार्बन कंपाउंड किसी और फंक्शनल ग्रुप से भी अटैच होकर बॉन्ड फॉर्म कर सकते, ठीक है. सो ये कुछ स्ट्रक्चर आ गई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. अगर आप इथेन की बात करें, है ना, इथेन की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर है. सी कार्बन, कार्बन कार्बन को फिल करने के लिए चार चाहिए, तो एक उसने कार्बन का कार्बन से बना लिया, 3 हाइड्रोजन से बना लिया. सिमिलरली ये वाले कार्बन ने भी एक कार्बन से बना लिया और 3 हाइड्रोजन से बना लिया. ये हो गया हमारा C2H6, जिसमें सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुए, ये सारे के सारे इस तरह से सिंगल बॉन्ड फॉर्म हुए.
और अगर हम बात करें इथीन की, इथीन यानी कि C2H4, इथीन में क्या होगा, इथीन में हमारे पास दो कार्बन है, ठीक है, ये दो बॉन्ड यहाँ पे शेयर करेगा और एक एक हाइड्रोजन से, ठीक है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, सी दिस डबल बॉन्ड, दिस इज इथीन। और अगर सिमिलरली कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाए, ठीक है, और एक एक हाइड्रोजन से कर ले, तो दिस इज कॉल्ड एज इथाइन, क्या कहेंगे इसको, इथाइन। तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोकार्बन का, कि किस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर विद यू, सो काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो अगेन, बिकॉज प्रैक्टिस कीजिए आप इनकी, आप जब इसको पढ़ लेंगे एक बार तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, सो राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड डू प्रैक्टिस। आप जितने भी आपकी एनसीईआरटी बुक में पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें एग्जांपल्स दे रखी हैं, उसके बाद उसके अंदर इन बिटवीन आपको पूछा गया है कि क्या क्या हो और हो बन सकते हैं, उनकी आप सबकी प्रैक्टिस कीजिए, अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे पास लेके आइए, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं आइसोमेरिज्म, होमोलोगस सीरीज और होमोलोगस सीरीज के करेक्टरिस्टिक्स, तो ये आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और आपको पसंद आई है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।